गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे BLI 224 और BLIE 229 प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल कब होता है, कहाँ होता है और किस प्रकार से ये प्रैक्टिकल हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट, ये प्रैक्टिकल दो प्रकार से हो सकता है। या तो इसके रिगार्डिंग आपका वाइवा हो सकता है या फिर इसे कंप्यूटर पर करवा कर देखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग। यदि ये कंप्यूटर पर होता है तो किस प्रकार से आप इसे कर पाएंगे, और यदि इसका वाइवा होता है तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स तक इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने अपनी ईमेल आईडी गलत दी है, या आप अपने किसी रिलेटिव की ईमेल आईडी दे देते हैं, या फिर आप जहां से इस फॉर्म को फाइल कराते हैं एडमिशन लेते टाइम, वो हो सकता है फोटो स्टेट वाला आपकी अपनी या कंप्यूटर सेंटर वाला अपनी ईमेल आईडी डाल देता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा एक इसका रीज़न हो सकता है स्टूडेंट्स, जनवरी 2023 से, ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, जनवरी 2023 से इग्नो ने BLI 224 और BLIE 229 प्रैक्टिकल के लिए भी फीस लागू कर दी है, उसके लिए भी अब फीस लगती है। परंतु जनवरी 2023 से पहले BLI 224 और BLI 229 प्रैक्टिकल के लिए फीस नहीं होती थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कभी किसी स्टडी सेंटर द्वारा जब ये आपका BLI 224 और BLI 229 प्रैक्टिकल होता है तो लिस्ट में आपका नाम नहीं होता या आपका ये वाइवा नहीं हो पाता। तो स्पेशली जनवरी 2023 वाले स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, जिन्होंने फीस पे की है उनका ये प्रैक्टिकल होगा, और जिन्होंने फीस पे नहीं की है उनका ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। एक केस ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया आपकी लिस्ट आ चुकी है BLI 224 की और BLI 229 की, और किसी वजह से आप एग्ज़ाम फॉर्म फाइल करते हुए फीस पे नहीं कर पाए, तो आप डायरेक्ट अपने रीजनल सेंटर पर जाकर वहाँ BLI 224 और BLI 229 की प्रैक्टिकल की फ़ीस पे कर सकते हैं। ये मैं सभी का नहीं कह सकता, कुछ रीजनल सेंटर इसको अलाउ करते हैं कि आप इसकी फ़ीस आपके प्रैक्टिकल होने से पहले आप इसे सबमिट करा के अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ रीजनल सेंटर इस तरह की चीज़ों को मान्य ना करें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि मेरे देखने में आया है कि 2-3 स्टूडेंट्स डायरेक्ट रीजनल सेंटर जाकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर मेरा BLI 224 और BLI 229 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, और उनकी रिक्वेस्ट को शायद एक्सेप्ट कर लिया गया और उसकी फ़ीस जो है वो रीजनल सेंटर पर कट गई और फिर उनका लिस्ट में नाम इंक्लूड हो गया। एक रीज़न तो ये है स्टूडेंट्स। दूसरी एक बात, जो स्टूडेंट्स जनवरी 2023 से पहले के हैं, स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स जनवरी 2023 से पहले के हैं उनके लिए BLI 224 और BLI 229 प्रैक्टिकल के लिए फ़ीस नहीं थी, पहले फ़ीस नहीं थी और उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। उनका आई थिंक, जहां तक मेरी बेस्ट नॉलेज है, उनका प्रैक्टिकल वाइवा होगा या प्रैक्टिकल होगा उनका। यदि किसी प्रकार से कोई स्टडी सेंटर नहीं लेता है या फिर आपका जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो आप अपने रीजनल सेंटर पर कंसल्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको अलाउ कर दें। और जहां तक मेरी नॉलेज है उनका होना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। क्योंकि फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस जब पे की गई थी तब आई थिंक जुलाई 2022 या उससे पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनका किसी भी प्रकार का BLI 224 और BLI 229 के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल की कोई फ़ीस का ऑप्शन नहीं था। तो आई थिंक जनवरी 2023 से पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अब इंक्लूड किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि ये प्रैक्टिकल किस प्रकार से लिया जा सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लिए दो तरह से आपका ये प्रैक्टिकल हो सकता है। एक हो सकता है कि इस प्रैक्टिकल की आपकी क्लासेस लगी हों, या हो सकता है ना भी लगी हों, मेरे चैनल पर वो क्लासेस हैं, उन क्लासेस की हेल्प से आप इसे कंप्यूटर पर करना चाहें तो कंप्यूटर पर भी आप इसे कर पाएंगे। क्योंकि मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, BLI 224 और BLI 229 की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ मेरी क्लासेस हैं और किस प्रकार से आप BLI 224 और BLI 229 का प्रैक्टिकल यदि कंप्यूटर पर होता है तो वो आप किस प्रकार से कर पाएंगे। दूसरा, यदि इसका वाइवा होता है तो वाइवा में BLI
BLI 224 और BLI 229 जो कि ICT इन लाइब्रेरीज और ICT फंडामेंटल का जो पेपर है, इसके रिगार्डिंग आपका, जैसे मैं बात करूँ BLI 224 पी की, तो इसके अंतर्गत आपको लिब्रा ऑफिस में कुछ काम करना होता है। जैसे आप MS ऑफिस को यूज़ करते हैं वैसे ही आपका लिब्रा ऑफिस है, वो कहाँ से डाउनलोड होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी एक बात, उसमें भी वैसे ही आपको वर्ड में काम करना होगा और आपको एक्सेल जो कि लिब्रा ऑफिस में जिसे कैल्क के नाम से जानते हैं, और आप उसमें जैसे आपको पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनानी होती हैं वैसे ही आपको स्लाइड्स लिब्रा ऑफिस में भी इम्प्रेस के अंतर्गत बनानी होंगी। तो मैं आपको दिखा दूं कि आपका जो जिस तरह के जो क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं BLI 224 और BLI 229 में, एक्चुअल में ये आपके असाइनमेंट का ही एक पार्ट लगा लीजिए, क्योंकि BLI 224 और BLI 229 के जो प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट सबमिट होते हैं वह दो पार्ट्स में होते हैं। एक पार्ट थ्योरी के लिए डिवोट होता है और दूसरा पार्ट वो प्रैक्टिकल के लिए भी डिवोट होता है। जैसा कि आप यहाँ अब स्क्रीन पर देख पाएंगे, मैं बात करूँ जैसे BLI 224 की, तो ये BLI 224 प्रैक्टिकल ICT फंडामेंटल प्रैक्टिकल है और इसका एक और असाइनमेंट जो थ्योरी का आप सबमिट कर चुके होंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि ये जैसे आपका असाइनमेंट टू पार्ट्स में है, BLI 224 के लिए 35 ये ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट ये थ्योरी के लिए है आपका, ये आपने असाइनमेंट के साथ हो सकता है सबमिट किया हुआ हो, और दूसरा BLI 224 प्रैक्टिकल ये भी हो सकता है आपने असाइनमेंट के टाइम पर सबमिट किया हुआ हो। यदि आपने असाइनमेंट के टाइम पर सबमिट नहीं किया है तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इसका प्रैक्टिकल होता है तब भी आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और कई स्टडी सेंटर तो इस प्रैक्टिकल के इस असाइनमेंट को प्रिपेयर ही नहीं करवाते, कई स्टडी सेंटर देखने में आया है, कुछ हैं वो नहीं प्रिपेयर करवाते हैं, परंतु इग्नो की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी का भी असाइनमेंट एक फाइल टाइप में बनाकर आपको सबमिट करना होगा, वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसको फाइल करना होगा। तो स्टूडेंट, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं BLI 224 ICT फंडामेंटल प्रैक्टिकल, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअल में देखिए, इसमें मैंने बताया आपको जैसे आपका MS ऑफिस होता है वैसे ही आपका लिब्रा ऑफिस होता है, लिब्रा ऑफिस बिल्कुल सेम आपका MS ऑफिस की तरह होता है, परंतु ये जो लिब्रा ऑफिस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें करना क्या होता है, इसमें प्रीपेयर वन पेज रिज्यूम, आपको एक वन पेज रिज्यूम जो है वो बनाना होगा लिब्रा ऑफिस राइटर। जैसे MS ऑफिस में वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वैसे ही लिब्रा ऑफिस में राइटर, जहां पर आप टेक्स्ट से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, तो इसमें आपको एक रिज्यूम बनाना होगा। उस रिज्यूम के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, एक टेबल बनानी होगी क्वालिफिकेशन के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। टेबल मस्ट बी एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट, टेबल जरूर होनी चाहिए आपके रिज्यूम में। टेबल मस्ट सेंटर्ड अलाइंड, उसमें अलाइन किस प्रकार से करेंगे कि भी मैटर को इधर या उधर, वो सारा मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। एक तरह की फॉर्मेटिंग आपको करनी होगी, विद द कंटेंट लेफ्ट जस्टिफाई द टॉप रो, टेक्स्ट मस्ट बी इन द बोल्ड फेसेस, मतलब कैपिटल लेटर करके उन्हें बोल्ड किया हुआ होना चाहिए, हाईलाइट टाइप में किया हुआ होना चाहिए, विद यूज कलर, कलर या आप यूज कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक रिज्यूम बनाना होगा और उस रिज्यूम की एक तरह की फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग आपको करनी होगी विद कलर यूज करके। तो एक तो आपको क्वेश्चन ये प्रिपेयर करना होगा जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल जिसको कहते हैं हम ये असाइनमेंट टाइप, उसमें आपको एक तो रिज्यूम बनाना होगा। दूसरा, प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन ऑन अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट यूजिंग लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। जैसे PPT बनाते हैं आप पावर पॉइंट में MS ऑफिस के अंतर्गत, वैसे ही आपको लिब्रा ऑफिस के अंतर्गत इम्प्रेस में आपको कुछ स्लाइड्स बनानी होंगी, और उसमें जो टॉपिक चूज करेंगे वो अपनी चॉइस का चूज कर सकते हैं। और स्पेशली स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिकल है ये जनवरी 2023 के स्टूडेंट्स, ध्यान रखें जनवरी 2023 के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल है, और जिन्होंने पहले जुलाई 2022 में एडमिशन लिया था उनका ये लास्ट टाइम हो भी चुका है, और जो स्टूडेंट रहते हैं वो अब इसे अटेंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, चार स्लाइड बनानी होंगी और उन स्लाइड्स के लिए टॉपिक आप अपना चूज कर सकते हैं और उसमें थोड़ी एनिमेशन स्कीम्स वगैरह लगा सकते हैं। तीसरा जो आपको करना होगा वो जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं वैसे ही आपको क्रिएट ए फाइल इन कैल्क शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेंड इन अ सेमेस्टर। एक कुछ स्टूडेंट्स आपको लेने होंगे और उन स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स उन्होंने सेमेस्टर में ऑब्टेन किए हैं उनके रिगार्डिंग कॉलम बनाना होगा,
आपको जो है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा और एक बार चार्ट को रिप्रेजेंट करना होगा, बार चार्ट को यूज़ करते हुए उस डाटा को जो है रिप्रेजेंट करना होगा। ये सारा काम करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सेकंड पर देखिए, मेक ए स्क्रीन कैप्चर फॉर ऑल आंसर्स, सेव देम इन वन फाइल। आपको क्या काम करना होगा, जैसे आप एमएस ऑफिस में काम करते हैं ऐसे ही लिब्रा ऑफिस में काम करना होगा और जो जो काम आप करेंगे उनके स्क्रीन कैप्चर करने होंगे, अर्थात एक तरह का स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा और उन सभी स्क्रीनशॉट को लेकर एक फाइल आपको बनानी होगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, रिज्यूम आपका अपना ही होना चाहिए। मेक स्क्रीन कैप्चर फॉर ऑल द आंसर्स, सेव देम वन फाइल। द काउंसलर और प्रैक्टिकल सुपरवाइजर विल एवेल्युएट दीज स्क्रीन कैप्चर एंड गिव मार्क्स अकॉर्डिंगली। और इनको जो है आपके इवेल्युएटर, जो आपके काउंसलर हो सकते हैं या कोई एक्सटर्नल, कोई प्रैक्टिकल एक्सटर्नल होगा, वो आपके इन स्क्रीन कैप्चर से आपको जो है आपसे वाइवा टाइप क्वेश्चंस पूछकर आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दे। तो इसमें तो आपने देखा स्टूडेंट्स आपका, और ये जो इवेल्युएशन है स्टूडेंट ये स्टडी सेंटर पर होगी। देखिए ये लिखा हुआ ना, यू आर रिक्वायर्ड टू डू प्रैक्टिकल असाइनमेंट इन स्टडी सेंटर, इवेल्युएशन ऑफ द असाइनमेंट विल बी डन बाय योर काउंसलर और प्रैक्टिकल सुपरवाइजर। तो ये आपके काउंसलर और आपके प्रैक्टिकल सुपरवाइजर जो भी होंगे वो इसको इवेल्युएट करेंगे। तो BLI 224 के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, लिब्रा ऑफिस डाउनलोड करना होगा। लिब्रा ऑफिस डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसमें एक वन पेज रिज्यूम बनाना होगा जिसमें टेबल्स होंगी। दूसरा आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी, मिनिमम चार स्लाइड्स आपको बनानी है। आप टॉपिक कोई भी लाइब्रेरी साइंस का या कोई इन्वायरमेंट का कोई भी टॉपिक चूज करें और चार स्लाइड्स बनाएं, उनके स्क्रीन कैप्चर करें। तीसरा आपको कुछ स्टूडेंट्स, एक सेमेस्टर में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स से कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए, कितने में से ऑब्टेंड किए, उसके लिए एक पाई चार्ट टाइप आपको बनाना होगा। आगे चलकर मैं वो असाइनमेंट्स आपको दिखाऊंगा, वो फाइल बनी हुई जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो था स्टूडेंट आपका BLI 224 के लिए असाइनमेंट, जो आपको कार्य आपको करने होंगे एक तरह की उस फाइल में सबमिट करने होंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बात करूं अब आपके, जैसे लिब्रा ऑफिस में चलते हैं एक बार, लिब्रा ऑफिस में देखते हैं। तो जैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है लिब्रा ऑफिस, तो लिब्रा ऑफिस में जाने के बाद जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, तो लिब्रा ऑफिस क्लिक करने के बाद आपके पास वही जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने होंगे। आप न्यू में जाकर यहाँ से, तो देखिए स्टूडेंट्स जैसे आप प्रेजेंटेशन या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसे मैं कहूँ आपको कि आपको एक रिज्यूम बनाना है तो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो है वो रिज्यूम बनाना होगा। ऐसे ही जैसे वर्ड में फाइल खुल जाती है आपकी, तो ऐसे ही इसमें फाइल खुल जाएगी। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स। जैसे आप ये देख रहे होंगे टूल बार, ये जो ऊपर रिबन दिखाई दे रहा है, इस टूल बार में से आपसे कमांड पूछी जा सकती हैं, आपसे टेबल किस प्रकार से बनाई जाएगी वो पूछी जा सकती है, आप इसको सेव किस प्रकार से कर सकते हैं, आप इसे सेव PDF में किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे बोल्ड करना है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैटर लिख दिया, इसे आप बोल्ड कैसे करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करके हम जैसे Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसको अंडरलाइन किस प्रकार से करना है, उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी वो पूछा जा सकता है। इसको जो है इटैलिक करना है, आपको इटैलिक किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें अगर आपको कलर फिल करने हैं तो कलर फिल कहाँ कर सकते हैं आप, और डिफरेंट आपकी सेव की, कट की, कॉपी की, ये कमांड आपसे पूछी जा सकती हैं, जो कि आप इधर साइड में देख सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इसमें पिक्चर किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी जो है टेक्स्ट रिज्यूम से रिलेटेड आपकी पूछी जा सकती हैं। आप किसी फ़ॉन्ट का साइज़ किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, किसी को कैपिटल कैसे कर सकते हैं, किसी को स्मॉल कैसे कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें इस वर्ड राइटर से पूछी जा सकती हैं। और जहाँ तक बात है स्टूडेंट आपकी सेकंड, जैसे मैं बात कर रहा था आपकी प्रेजेंटेशंस की, जैसे इम्प्रेस के अंदर आप प्रेजेंटेशन किस प्रकार बनाएंगे, इसकी बैकग्राउंड आप किस प्रकार से चेंज कर पाएंगे, और विभिन्न प्रकार की आपकी डिफरेंट कमांड्स होंगी, और थोड़ा सा लिब्रा ऑफिस को ज़रूर पढ़े वो पूछा जा सकता है। आप इसमें पिक्चर किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे, कोई डाटा अगर आप लिखते हैं तो उसका कलर आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, उसे अंडरलाइन किस प्रकार से करेंगे, इसके साइज और फॉर्मेटिंग, और आप फॉर्मेट में क्या है, जैसे ये ऊपर टूल और मेन्यूज दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जैसे व्यू में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा इनको पढ़ कर आना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो
ऐसे ही स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करूं कैल्क की कि भाई आपको जो है जैसे एक्सेल में काम करते हो ऐसे इसमें कैल्क में काम करना होगा। जैसे इसमें अगर हम शीट की बात करें तो इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो स्प्रेडशीट आपकी इस प्रकार से जैसे एक्सेल में ओपन होती है इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है ये रिबन और कट कॉपी इनकी कमांड्स जो है वो किस प्रकार से आप इनको जो है इसके अंदर काम करेंगे। तो थोड़ा फैमिलियर हो जाए, मेरी वीडियोस देखकर भी फैमिलियर हो सकते हैं आप। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अब जैसे सेव के लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी, इसे कहाँ से बंद किया जाएगा, इसको इनक्रीज और डिक्रीज कहाँ से किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। ये तो हुआ स्टूडेंट्स BLI 224 के प्रैक्टिकल के बारे बात, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे प्रैक्टिकल की BLIE 229 के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं BLIE 229 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपके वही दो पोर्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखें इसमें आपके दो पोर्शंस होंगे, जैसे एक थ्योरी के लिए और थ्योरी का आप सबमिट कर चुके होंगे या प्रैक्टिकल का आप कर चुके होंगे या आप अब करेंगे प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स जैसे कि ICT इन लाइब्रेरीज, BLIE 224 है ICT फंडामेंटल, जो कि एक टोटली कंप्यूटर बेस्ड, जैसे हम बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरह आपका पेपर होता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स वगैरह। अब बात करें BLIE 229 की, तो ये ICT इन लाइब्रेरीज अर्थात ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर रन करते हों और जो लाइब्रेरी के भी काम के हों। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, वो आप पढ़कर आ सकते हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। दूसरा स्टूडेंट्स इसमें जो बेसिकली काम करना होगा, हमें दो सॉफ्टवेयर्स में काम करना होगा, दो तरह के सॉफ्टवेयर में काम करना होगा। एक काम करना होगा हमें ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ हो, जो जिसमें लाइब्रेरी आपकी ऑटोमेटिक बनाई जा सकती है। जैसे हम बात करें कोहा की, तो कोहा इसमें बिल्कुल बेसिक और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिलेबस में भी है, तो इसमें एक्चुअल में कोहा में ही काम करना होगा। दूसरे आपके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिनके द्वारा हम किसी लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल डिपॉजिटरी बना सकते हैं। अब डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, डिजिटल डिपॉजिटरी बनाने के लिए अलग से आपके सिलेबस में दो सॉफ्टवेयर हैं, एक है GSDL ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और एक है स्टूडेंट DSpace। इन दोनों के बारे में मैंने अपनी क्लास में भी बता रखा है और मेरे चैनल पर थ्योरी की जो क्लास है BLIE 229 के, उनमें भी मैंने इसको डिस्कस किया है। तो अब एक्चुअल में करना क्या होगा आपको स्टूडेंट, आपको करना होगा BLIE 229 के अंतर्गत कोहा सॉफ्टवेयर में कार्य। तो आपके दो क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स जिसमें कहा गया है इन कोहा डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, अर्थात कोहा जो ऑटोमेटिक लाइब्रेरी बनाने के लिए यूज होता है या लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो कोहा है, और उस कोहा में आपको सॉफ्टवेयर में आपको क्रिएट टू वेंडर्स विद फुल डिटेल्स, आपको दो वेंडर बनाने होंगे स्टूडेंट्स। वेंडर हम उनको बोलते हैं लाइब्रेरी में जहाँ हम बुक परचेज करते हुए, जैसे मान लीजिए हम किसी पब्लिशर से कोई बुक परचेज कर रहे हैं तो उसको जो प्रोवाइड करेगा वो वेंडर होगा। जैसे वो 10 पब्लिशर्स के कॉन्टैक्ट में एक पर्सन होगा और हमें डिफरेंट 10 पब्लिशर से कोई बुक लेनी है, तो हम सीधा 10 पब्लिशर से कॉन्टैक्ट ना करके एक वेंडर से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो वेंडर हमारे लाइब्रेरी तक वो बुक्स पहुंचाएगा। तो हमें उन वेंडर की डिटेल किस प्रकार से फाइल करनी है। प्लेस ऑर्डर फॉर अराउंड 4 टाइटल्स, हमें 4, ये टाइटल से मेरा अर्थ है 4 किताबों का ऑर्डर आप किस प्रकार से कर पाएंगे। एंटर द डाटा ऑफ 4 टाइटल्स इन कैटलॉगिंग मॉडल्स, और इनकी कोहा के अंदर आप कैटलॉगिंग किस प्रकार से करेंगे। क्रिएट 4 पैटर्न्स विद रिक्वायर्ड डिटेल, आप स्टूडेंट्स और पैटर्न्स की एंट्री इस सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे। चेकआउट इट मीन्स आप किस प्रकार से बुक इशू करेंगे, वन ऑफ द पैटर्न, एक पैटर्न को आप दो किताबें किस प्रकार से इशू करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है वो सब आपको सीखना होगा। और वही दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है इंस्टॉल्ड GSDL। स्टूडेंट GSDL जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ये फ्रीली अवेलेबल है। कहाँ से अवेलेबल है, मेरी वीडियोस में ये सब है।
अब इसे इंस्टॉल करना है और इसमें आपको मिनिमम 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाने हैं, क्योंकि हमें डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है तो हमें 10 डॉक्यूमेंट, और वो किसी भी फॉर्मेट में हो, वो पीडीएफ में हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं, वो पीपीटी फाइल में हो सकते हैं, उनकी डिटेल और उनका मेटा डाटा जो है आपको ऐड करके, कंटेंट टाइप आपको ऐड करके और उसको अपलोड करना है इस सॉफ्टवेयर पर, GSDL पर, और फिर उसे उसको आपको पब्लिश करना है CD पर, या फिर आप एक लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं जहां से हम उस मटेरियल को डाउनलोड कर पाएं या देख पाएं। तो ये सारे कार्य आपको करने होंगे। अब इन कार्यों को करते हुए ही वही यहां सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ, मेक स्क्रीन कैप्चर फॉर ऑल द आंसर्स, सेव देम इन वन फाइल। तो आप इन्हें कैप्चर किस प्रकार से कर पाएंगे, जैसे आप मान लीजिए कोहा में काम कर रहे हैं, तो कोहा में फर्स्ट स्क्रीन लिया आपने और उसको स्क्रीन कैप्चर लिया और उसका प्रिंट आउट ले लिया, तो 8, 10, 15 जो स्क्रीन कैप्चर होंगे वो आपकी एक फाइल बन जाएगी, और वो फाइल ही एक तरह की प्रैक्टिकल फाइल होती है, या प्रैक्टिकल असाइनमेंट कह लो आप, वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट होता है। तो ये किस प्रकार से करना है इनका, फिर वही जैसे मेक स्क्रीन कैप्चर फॉर ऑल द आंसर्स एंड सेव देम इन वन फाइल, एक फाइल के अंदर सेव करना होगा। द काउंसलर एंड प्रैक्टिकल सुपरवाइजर विल इवेल्युएट दीज स्क्रीन कैप्चर एंड गिव मार्क्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये मार्क्स देने होंगे। आपको एक्चुअल में करना क्या होगा स्टूडेंट्स, इन प्रैक्टिकल्स को बनाकर आपको या तो वाइवा के टाइम पर, जब आपका वाइवा होगा, या जब भी आपका BLI 229 और BLI 224 का जो प्रैक्टिकल होगा उसके टाइम पर इस फाइल को लेकर जाना होगा, या फिर कुछ स्टडी सेंटर इसे असाइनमेंट के साथ ही सबमिट करा लेते हैं, पर मेरी जहां तक बेस्ट नॉलेज है आप इसको तभी सबमिट करें, तभी इसको लेकर जाएं जब आपका ये प्रैक्टिकल हो, ताकि इवेल्युएटर आपके इन स्क्रीन कैप्चर्स को देखकर आपसे क्वेश्चंस कर सके, आपसे वो काम कंप्यूटर पर करवा कर देख सके और आपको आपका प्रैक्टिकल ले सके। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसी टाइम पर लेकर जाएं इसे, और हो सकता है कि कुछ स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो इस प्रकार की फाइल को मांगते नहीं हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आपको आप अपनी क्लासेस में आपको ये सारा काम को हमें काम करना सिखाएंगे, GSDL पर काम करना सिखाएंगे, और फिर प्रैक्टिकल की एक डेट रखेंगे, उस डेट पर आपको बुलाएंगे और लैब में ये कार्य आपसे करवा कर देखे जा सकते हैं, ऐसा भी प्रैक्टिकल हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके स्टडी सेंटर पर। तो स्टूडेंट इसमें आपको ये बनाने होंगे। अब मैं जैसे आपको बात बताऊं कि कोहा जो है वो कहाँ मिलता है, तो आप गूगल में जस्ट लिखेंगे कोहा, और कोहा लिखने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके डेमो वर्जन्स होंगे कोहा पर। आप यहाँ कोहा लिखें, कोहा लिखेंगे तो कोहा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको डेमो, ये देखिए डेमो, डेमो पर क्लिक करेंगे। डेमो पर क्लिक करने के बाद बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास, Mark 21 के अकॉर्डिंग, यूनिमार्क के अकॉर्डिंग, तो बेस्ट आप इस डेमो में काम कर सकते हैं। यहाँ स्टाफ इंटरफेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, और ये डेमो ये यूजर नेम और पासवर्ड है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, और उस पेज में आप डेमो डाल दें, क्योंकि मैंने डाल रखा है। मैं इसको लॉग आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ, लॉग आउट करके किस प्रकार की, इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, फिर दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये स्क्रीन आएगी, मेरा सेशन खत्म हो चुका है, शायद ये ना चले तो हम दूसरा लिंक लेंगे। डेमो पर ओपन किया तो ये फ्रंट पेज आपके सामने होगा स्टूडेंट्स, इस फ्रंट पेज पे वो सारे काम कर पाएंगे, जैसे पैटर्न की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है, और आपको वेंडर की एंट्री जो है वो किस प्रकार से करनी है, वेंडर जैसे कि एक्विजिशन एक सेक्शन है जिसमें हमें बुक्स मंगवाने तक का कार्य जो है सारा इसमें एक्विजिशन सेक्शन के अंतर्गत करते हैं, तो यहाँ इस एक्विजिशन में जाकर आप यहाँ वेंडर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप नए वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, यहाँ अभी हम बात कर रहे थे ना BLI 229 की, तो जैसे ये मेरा चैनल है, इस चैनल पर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाएं स्टूडेंट्स, यहाँ प्लेलिस्ट को क्लिक करें, जैसे ही आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे यहाँ सेकंड नंबर पर आपको दिखाई देगा BLIS के अंतर्गत होने वाला प्रैक्टिकल, BLI 229 प्रैक्टिकल, इसके रिगार्डिंग ये फुल प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें 6 वीडियोज़ हैं, कोई 18 मिनट की है, कोई 15 मिनट की, कोई 11 मिनट की, ज़्यादा नहीं है। आप इनको देखें, अपना प्रैक्टिकल देने से पहले आप प्लीज़ इनको ज़रूर देखें, बहुत इन्फॉर्मेशनल है, इसमें पॉइंट छोटे से छोटे पॉइंट
कि सारी चीज़ें मैंने जो है वो बताई हुई है। मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप डी स्पेस को और जी एस डी एल को किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे, आपको हमें बुक की एंट्री किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे अभी जैसे मैं एक वेंडर की एंट्रीज जो हैं वो किस प्रकार से की जा सकती हैं, वो पूरा प्रोसीजर आप इस वीडियो पर देख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है। अब इस स्क्रीन को जो है बड़ा कर लें। अब देखिए इसके स्क्रीन कैप्चर किस प्रकार से लेने हैं स्टूडेंट्स। इसके स्क्रीन कैप्चर जैसे आप इस स्क्रीन पे हैं, आप डेमो वर्जन में जाएंगे, जैसे मैं थोड़ा सा इसको आगे करूं, जैसे डेमो वर्जन में जाएंगे, डेमो वर्जन में जाने से पहले आपके सामने वही प्रोसीजर आ गया है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से क्लिक करेंगे। और इसकी अगर स्टूडेंट्स क्वालिटी अच्छी ना हो तो थोड़ा सा यहाँ नीचे आप यहाँ पर सेटिंग में जाके इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि वीडियो की क्लैरिटी और अच्छे से आ जाए आपकी। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें डिटेल में आपको कराई हुई हैं, ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। ऐसे ही स्टूडेंट मिले, मैंने BLI 224 के लिए भी वीडियोज़ डाल रखी हैं, एक्विजिशन में क्या क्या काम करने हैं, किस प्रकार से वेंडर की एंट्री करनी है, ये सारा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। और इसके रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ही, वो आप PDF फॉर्म में एक मैं प्रैक्टिकल आपको दूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, में 6 वीडियोज़ हैं, ये 6 की 6 वीडियोज़ आप अच्छे से देख कर जाएँ, बहुत इन्फॉर्मेशनल हैं आपके लिए। अब मैं बात करूं BLI 224 की, तो BLI 224 में भी आप ऐसे ही प्लेलिस्ट में जाएं, ये रहा BLI 224 की प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट्स वो प्लेलिस्ट है, इसमें मेरी वीडियोज हैं, किस प्रकार से आप रिज्यूम बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, इसमें भी कोई 5 मिनट की, कोई 7 मिनट की, कोई 22 मिनट की, कोई 2 मिनट की, इस प्रकार से आपकी ये वीडियोज़ हैं, इनको ज़रूर देखकर आप अपना प्रैक्टिकल देने जाएं। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाली हैं ये वीडियोज़ मेरी। और इस चैनल पर स्टूडेंट्स सिर्फ इसी के रिगार्डिंग नहीं, BLI 227 का मैंने कंप्लीट कराया, मैंने कुछ लाइव क्लासेस आपके लिए, और आगे आने वाले टाइम में मैं इस पर आपका BLIS का पूरा सिलेबस लेकर आऊँगा, और इस पर सोल्ड असाइनमेंट मैंने पहले ही डाल दिए हैं, और किसी भी प्रकार की असाइनमेंट में या कहीं कोई दिक्कत होती है आपकी, वो उसके रिगार्डिंग आप इस चैनल को जो है आप रख सकते हैं, अपने नॉलेज में रख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, आने वाले कुछ टाइम पर, अभी थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है, आने वाले टाइम में आपने BLIS कर लिया है तो BLIS करने के बाद आप, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिले, उसके लिए मैं इसी में एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और जहाँ पूरे टेस्टों की तैयारी के लिए मैं वीडियोस इसमें आगे आने वाले टाइम पर अपलोड करूंगा। आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के अभी 1-2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी इस चैनल पर। तो आप इसमें जो है कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकली हैं वो सब भी आप इस पर देख पाएंगे, और आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो भी इस पर आएगा पूरी डिटेल, लाइब्रेरी साइंस के या लाइब्रेरियन की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर किसी लाइब्रेरी में किसी भी प्रकार की, रेस्टोरर की, कैटलॉगर की, कोई भी वैकेंसी होगी उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिला करेगी, और उन टेस्टों की तैयारी आप किस प्रकार से कर पाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, वो सब भी आप इस चैनल पर देख पाएंगे। तो ये आपके, मेरे ख्याल से आपके आई थिंक सभी क्वेश्चंस के आंसर हो गए। मैंने आपको बता दिया कि ये किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाता है, या तो इसका वाइवा होगा स्टूडेंट, या ये आपसे कंप्यूटर पर करवा कर देखा जा सकता है। दूसरी रही बात कि इसकी फाइल्स वगैरह जो हैं वो किस प्रकार से बनेंगी, तो स्टूडेंट्स जैसे एक ये फाइल है, एक मैंने जो है जो आपका ये BLI 224 का जो प्रैक्टिकल है ICT फंडामेंटल, एक प्रकार की प्रेजेंटेशंस, आप यहाँ अपना इनरोलमेंट नंबर। दूसरी एक बात स्टूडेंट्स, इसमें मैं बता दूँ, आप इस प्रकार से बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, दूसरे प्रकार से बनाना चाहें तो दूसरे से बना सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके लिए कि आपको एक ही फॉर्मेट में बनाना होगा। तो ये किसी स्टूडेंट्स ने ये सारा काम किया और इसे जो है PPT के अंदर जो है सेव किया, और
वो सबमिट कराया। आप इसे असाइनमेंट की तरह भी सबमिट कर सकते हैं, जैसे इग्नो का फ्रंट पेज आता है, जैसे आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज था वैसे ही आप इग्नो का फ्रंट पेज ले सकते हैं इसमें, और उस फ्रंट पेज पर अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी, आपका स्टडी सेंटर और कोर्स की डिटेल ये डालकर, और ये जैसे ये स्क्रीन कैप्चर की हुई है, जैसे स्लाइड में की हुई है, तो फर्स्ट में जैसे स्टूडेंट ने अपना रिज्यूम बनाया और उस रिज्यूम की एक कॉपी जो है स्टूडेंट वो उसने कर ली है, तो इस प्रकार से स्क्रीन कैप्चर करके आप इसे, वो दूसरी वाली भी दिखाऊंगा मैं, तो आप ये जैसे देखिए स्टूडेंट ने रिज्यूम बनाया, इस रिज्यूम की क्लिक किया, इसको दो इसकी स्लाइड ली और वो मतलब एक कंप्यूटर में जो आपका राइटर में जो काम करना था, वन पेज जो रिज्यूम बनाना था उसका स्क्रीनशॉट आ गया स्टूडेंट। उसके बाद फिर स्टूडेंट ने चार स्लाइड बनाई, क्योंकि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी फोर स्लाइड्स की, तो ये फोर स्लाइड्स हैं और ये फोर स्लाइड्स को ऐसे स्क्रीन कैप्चर की उसने, ये चार स्लाइड आपकी ले ली, चार पांच जो भी स्लाइड्स थी वो ले ली इसने और इसकी स्क्रीन कैप्चर कर ली और इनके प्रिंट आउट लेकर वो लगा दिए। दूसरा इसमें एक ये जैसे कैल्क में जो काम करना होगा, जैसे पांच स्टूडेंट्स लिए हैं यहाँ पर और उनने कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं, क्या परसेंटेज है, और ये अलग अलग कलर जो है इस तरीके से मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर हेडिंग लिखकर ये बना दिया और उसे जो है थैंक यू फॉर प्रेजेंटेशन और लास्ट में प्रीपेड बाई किसने और इसका इनरोलमेंट नंबर। इस प्रकार से चाहें तो आप इस प्रकार से भी इसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। दूसरे वाली भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको BLI 229 में एक बार शो आउट कर देता हूं। जैसे BLI 229 के लिए भी आप इस तरीके से स्लाइड्स में बना सकते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट ने ये स्लाइड बनाई और इस स्लाइड को बनाने के बाद स्क्रीन कैप्चर कर ये इस प्रकार से इस स्लाइड पर, जैसे ये स्क्रीन थी, इस स्क्रीन को बनाकर और इसे जो है जैसे कोहा का फ्रंट कहाँ से ओपन हुआ उसका स्क्रीन पासवर्ड डाल दिया, फिर फ्रंट पेज आ गया, फिर जो जो काम उसने किया उसके स्क्रीन कैप्चर वो लेता चला गया। इसका कलर थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखिए सभी का बढ़ा देता हूँ, आपको दिखाई देने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो ये देखिए अब देखें इन्हें, तो ये जितने भी कोहा में काम किया है स्टूडेंट ने उनका स्क्रीन कैप्चर किया हुआ है ये किस किस प्रकार से, ये 10-12-15 पेज जो हैं वो आप ले सकते हैं और इन 10-12-15 पेज को एक फाइल के रूप में लगाकर आप इन्हें सबमिट करा सकते हैं। ये कोहा का हो गया आपका ये सारा। एक प्रैक्टिकल और दिखाता हूँ जो कि किसी स्टूडेंट ने सिंपली बनाकर सबमिट की होगी। आते हैं स्टूडेंट्स कई बार मेरे से सीख कर भी जाते हैं, पता करके भी जाते हैं और कुछ तो बनवा भी लेते हैं, तो इस प्रकार से दूसरी एक फाइल और मैं आपको दिखा देता हूं जहां सिंपल वे में बनी हुई है आपकी। जैसे ये देखिए स्टूडेंट, मैंने ब्लैंक पेज रखा है, फ्रंट में आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ये 229 का है स्टूडेंट, तो इसमें आप अपना फ्रंट पेज लगा सकते हैं। उसके बाद कोहा में जो जो काम आपने किया, ऑथर की डिटेल, इस प्रकार से 10-12-15 आप प्रिंट आउट जो जो काम आप करते हैं उनके प्रिंट आउट आप लेकर, जैसे ये किसी स्टूडेंट ने किया तो अपना पिक्चर भी ये लगा दी कोहा में। और ये है स्टूडेंट GSDL का, GSDL आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है और किस प्रकार से आप इसमें ये 10 डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड किए हुए हैं, और फिर देखिए ये 10 डॉक्यूमेंट अलग अलग उसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस प्रकार से आपको ये फाइल टाइप आप बनाकर इसे सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो दूंगा कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स ने ये फाइल सबमिट कर रखी है और किस प्रकार से स्टूडेंट्स इस फाइल को सबमिट करते हैं, अपना नाम वगैरह और फ्रंट पेज वगैरह लगाकर वो किस प्रकार से सबमिट करते हैं वो भी इसमें देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर, जैसे मैंने वीडियोस बताई ना आपको, ये सारी की सारी एज इट इज़ ये कैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं इन वीडियोज़ को जरूर कंसल्ट करके जाना, और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प है तो मैं बैठा हूँ उस चीज़ के लिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप यहाँ यूट्यूब पर मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, और अपने कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो, और कई बार मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होता है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं
तो मैं भी बिजी होता हूँ, मुझे भी काम करना होता है, तो कई बार मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप करें, कॉल जब मैं कहूँ तब करें। आप मुझे व्हाट्सअप से मेरे हेल्प ले सकते हो। सभी प्रकार की सारी चीज़ें मैंने वैसे चैनल पर अवेलेबल करा चुका हूँ मैं इन सभी को। तो आपका ये प्रैक्टिकल होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर देखिए, वैसे तो ये इलीगल नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं, इस पर वाटर मार्क लगाकर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। यदि किसी को और भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वो मुझे जो है पर्सनली जो है व्हाट्सअप कर दे, जिसको ये फाइल वाइल के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया BLI 224, BLI 229 प्रैक्टिकल किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार से इसके मार्क्स अपडेट होंगे, क्योंकि देखिए ये इवेल्युएट होंगे, और इवेल्युएट होंगे तो आप इन्हें वैसे ही जैसे असाइनमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे, वैसे ही आप इनको चेक कर पाएंगे। आपका BLI 224 और BLI 229 प्रैक्टिकल जो ग्रेड कार्ड आएगा आपका, उस ग्रेड कार्ड में ये अलग से होंगे। अगर ये प्रैक्टिकल आपका नहीं हुआ है तो आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होगा, आपकी डिग्री नहीं आएगी जब तक पूरे के पूरे पेपर आपके कंप्लीट ना हो जाएं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इसे। आप थोड़ा एक मैं बात बता दूं स्टूडेंट्स, आपको सीरियस बात बता देता हूँ, आप ये सोचो कि आप इनमें फेल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं और जो इसे नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में इनको फेल भी कर दिया जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसे सबमिट किस प्रकार से कराएंगे। एक फाइल टाइप बनाकर रख सकते हैं आप, जैसे ये एक फाइल है, इसमें आप फ्रंट पेज पे इनरोलमेंट नंबर, नेम नेम वगैरह और एड्रेस वगैरह, जैसे आपने असाइनमेंट के लिए सबमिट किया था, उसके बाद स्टूडेंट्स आप अपना आईडी कार्ड यहाँ लगाएं। आईडी कार्ड लगाने के बाद फिर यहाँ क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, और फिर आपके ये आंसर्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये आंसर्स इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। ये जैसे आंसर्स इसके इस प्रकार से लगाकर आप इन्हें सबमिट करा सकते हैं। ये एक पेज पे दो स्लाइड ले लें या एक पेज पे एक स्लाइड ले लें, इस प्रकार से जो जो आपने स्क्रीन कैप्चर की हैं वो आप इसे ले सकते हैं, और इसे जो है इस प्रकार से बंद करें। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ, जो है BLI 229 के लिए। इसके लिए भी फ्रंट पेज आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, कॉर्नर में, या तो आप ब्लू टेप लगाएं, ब्लैक लगाएं, येलो लगाएं, कोई भी लगाएं। यहाँ स्टूडेंट आपका आ जाएगा आईडी कार्ड, और फिर वही क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मैंने फोल्ड किया है, आप अपने वाला क्वेश्चन पेपर जो आपका भी जनवरी 2023 वाला है, वो 22 वाले भी जो जनवरी 2023 वाला सबमिट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अब दे रहे हैं प्रैक्टिकल। जैसे कोहा कोहा के लिए फ्रंट पेज, सेकंड पेज जैसे यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। आप या तो ब्लैक एंड व्हाइट ले लें, अगर कलर लेना चाहें तो कलर भी आप ले सकते हैं। जैसे कलर आप करा सकते हैं, ये BLI 229 की है स्टूडेंट, तो इसमें जैसे एक पर एक है, स्पाइलर बाइंडिंग कराई हुई है स्टूडेंट्स ने, तो ये इस प्रकार से आप इसको कलर भी करा सकते हैं। तो ये एक तरीका है ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और ये प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करने का। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से इसे जो है प्रैक्टिकल के टाइम पर लेके जाना है, या असाइनमेंट के टाइम पर इसे सबमिट करना है। तो इस प्रकार से आप फाइल बनाकर ले जा सकते हैं। कर दिया जाता है। तो आज मेरे इस वीडियो का मकसद पूरा हुआ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस लाइव को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि किसी प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट में वो भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।